अच्छा लड़का हूँ मैं, सुंदर सुशील नर्वस, मतलब ऐसे नर्वस होने बोला। अच्छा गजब बेइज्जती है। हाय ऋषि, टॉफी चिपक गई। टॉफी कोई बात नहीं, देखो टॉफी टॉफी चिपक जाती है, इट्स ओके, हो जाएगी डिसॉल्व यार। मैं ये करने के लिए रह गया मैं। आपका नाम शिवानी है, स्कूल में बच्चों ने ये कह के आपको चढ़ाया है? अरे पूछने तो दो, अरे पूछने तो दो, क्या आपको क्या लगता है क्या पूछने वाला है? ये शिवानी लगती है नानी। स्पेंड मोर टाइम विद माय फैमिली एंड ईट एज मच एज जंक एज आई कैन। ये जितना तुम कुछ बता रही हो ना, ये तीन चार जन्मों के काम है, इस जन्म में तो तुम्हारा नहीं होने वाला है। बहुत सारी चीजें करनी है। मैं कानों में अपने एक साइड बाल लगाई, एक साइड नहीं, क्या मतलब इनबैलेंस नहीं होता है यार? मैं नाइन्थ में करवाई थी तब मन किया था। नाइन्थ से चल रहा है? नाइन्थ से। और इसमें एक फन फैक्ट ये है कि स्कूल में टीचर्स पूछते थे तो मैं बोलता था कि एस्ट्रोलॉजर ने बोला। ये तगड़ा मानना है यार। मिनी हेयर स्टाइलिंग करवाई है, कट लिया क्या? क्या मिनी मिनी हेयर स्टाइल? क्योंकि आपने बोला था चींटियों चींटियों वाली कटिंग रही है क्या मिनी? क्या सिर्फ चन्ना मेरे आ मेरे आ चन्ना मेरे आ मेरे आ। आपके न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है? Nothing actually. कुछ भी नहीं? I'm perfect. हैं? I'm perfect. पहली बार मुझे पता है कुछ होना ही नहीं है तो क्यों सोच के रखना है? सही बात है ना? ये भी भाग रहा। कैसे करेगा हम ये, हमसे ना हो पाएगा। गहरा है अपना, मैं कह रहा हूं पिछले जन्म का है कोई, तेरे संग प्यार में नहीं ढोलना, कुछ ऐसा है हमारा। सो कि दिस ईयर आई एम गोना ट्रैवल अ लॉट। कहां चलना है? चले कहां चल चलना है जल्दी बताओ। चलो मैं घर घर जा रहा। सब यार इतने थक चुके हैं, सारे कह रहे मेरे को घर जाना है। ये मनीष यार कसम से कह रहा हूं, इसको पसीने क्यों आ रहे? पसीने वहां से आते थे यहां तक आ गया यार, मुझे डर लग रहा। इस लड़की के होंठ कप कपा रहे थे यशिका के, इसको पसीना आ रहा था। मैं नॉर्मल बंदा हूँ, ऐसे डर क्यों रहे हो मेरे साथ? तीन चीजें जो आपको एक लड़की में पसंद आती है, आंखें चेहरा और बाल। और तीन चीजें जो नहीं पसंद आती? मुझे कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो लड़कियों में पसंद नहीं आती। लड़कियां लड़कियां मतलब भगवान ने बहुत इत्मीनान से आराम से बनाई, ऐसी कोई चीज नहीं जो लड़कियों में थोड़ा सा भी होता है ना नुकसान। किसी का ऐसे रेजोल्यूशन नहीं है शादी करनी है, बॉयफ्रेंड बनाना है? किसी का बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं करनी अभी दूर दूर तक कोई बोल। पीछे से इसकी फ्रेंड बोल रही है ना, है? नहीं 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 बोल रही है। हेयर मास्टर्स लग्जरी सैलून छन्नी में क्या ऑफर मिलेगा? 25 क्या 25 रुपए? 25% ऑफ। तो ऐसे बोलो ना, 25% ऑफ। ओके सो 25% ऑफ मिलेगा जो भी बकलोल का नाम लेकर आएगा। हैप्पी न्यू ईयर गाइस, हैप्पी न्यू ईयर। 2021 का हो रहा है अंत और 2022 की हम शुरुआत करने जा रहे हैं ढोल नगाड़ों के साथ। तो बिल्कुल भी नहीं, अभी ऐसा कोई भी प्रोग्राम नहीं है, लेकिन अभी हम हैं हेयर मास्टर्स लग्जरी सैलों में और यहाँ पर आज फैशन इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया गया था, सबको फ्री सर्विसेज देके थोड़ा सा पैम्पर किया गया था। लगता है 31 दिसंबर की तैयारियां जो थी वो करवाई जा रही थी और तो बकलोल टीवी यहाँ पर आ चुका है पैम्परिंग करने के लिए। और सबसे बातचीत करेंगे और सबसे ये भी पूछेंगे कि इन सब का न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है, क्या क्या करने वाले हो नवे नवे साल। तो सबसे पहले शिवानी जी जो कि हेयर मास्टर्स की ओनर है, ये कौन सा कार्यक्रम कराया था जहाँ पे इतनी सारी स्त्रियाँ आई थी आज आपके यहाँ? स्त्रियों को और सुंदर बनाने के लिए हमने कार्यक्रम बनाया था। तो मतलब आप मानती कि स्त्रियां सुंदर नहीं होती पहले? नहीं, ऑलरेडी सुंदर है और सुंदर। अच्छा और सुंदर। अच्छा, शिवानी जी मैं ना बड़ी देर से सोचा था आपसे सवाल पूछूंगा। आपका नाम शिवानी है, स्कूल में बच्चों ने ये कह के आपको चढ़ाया है? अरे पूछने तो दो, अरे पूछने तो दो, आपको क्या लगता है क्या पूछने वाला? ये शिवानी लगती है नानी, बहुत ज्यादा। सबका यही हाल है, मेरी भी एक फ्रेंड थी शिवानी, मैं भी उसको चढ़ाता था, बड़ा कॉमन हो चुका था ना। अच्छा आपका न्यू रेजोल्यूशन क्या? और काम करेंगे। क्या काम करेंगे? और काम बढ़ाएंगे। बढ़ाएंगे, देखो बकलोल टीवी का साथ है ना, बहुत काम बढ़ेगा आपका, मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल। चलो बाकियों से बातचीत करेंगे रैंडमली। आरुषि, हाय आरुषि। टॉफी चिपक गई। टॉफी कोई बात नहीं, देखो टॉफी टॉफी चिपक जाती है, इट्स ओके, हो जाएगी डिसॉल्व यार। तो वही तो मजा, तुम ऐसे बात करो लगा मतलब पान तुम्हारे मुंह में बात कर रही हूँ, ऐसे करके कर लो चलेगा। निकली डिसॉल्व हो रही है यार। चलो यार इसका डिसॉल्व लेते हैं तो मम्मी से बात करते हैं। हाय मम्मी। हाय सौरव। इतने प्यार से ना बोलो, मेरा दिल बहुत जल्दी पिघल जाता है। ओके हाँ, सो क्या क्या सर्विसेज लिया आज आपने यहाँ पर? हेयर स्पा। या क्या होता है स्पा में? बहुत कुछ जो आपको नहीं पता, किसी आपने लिया नहीं आज। हाँ तो वही तो, तभी तो पूछ रहा हूँ मैं। नहीं नहीं ऐसे नहीं ना बताएंगे, जब तक आप लोग ही नहीं तो हम कैसे? क्या नहीं लोगे? हेयर स्पा। ओके तो ले लेंगे हम भी, हेयर मास्टर सैलून हमारे पार्टनर है ऑलरेडी। बट आपके न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है? Nothing actually. कुछ भी नहीं? I'm perfect. हैं? I'm perfect. पहली मुझे पता है कुछ होना ही नहीं है तो क्यों सोच के रखना है? सही बात है ना? ये भी बढ़िया है। चलो यशिका हमारे साथ। हाय यशिका। हाय। कैसी हैं आप?
बढ़िया नहीं, बहुत ज्यादा बढ़िया, मेरी बात मानो। अच्छा तो क्या क्या सर्विसेज ली आपने? पूछ लेने की जरूरत नहीं यार, क्यों ले रहे हो आप ऐसे? अच्छे बोला था इसलिए ले लिया दवाई। वो बात भी है। ओके, ये भाई उधर जा जाके हंस रहा है, टक्कर ना मार दी उधर जाके। ओके सो यशिका, आपका न्यू रेजोल्यूशन क्या है? मैं कोई रेजोल्यूशन नहीं रखती यार। नहीं रखती क्यों? क्योंकि मैं आई थिंक आई बिलीव कि रेजोल्यूशन रखने नहीं चाहिए, क्योंकि हमसे हो तो पाता नहीं है। आप इसके ना लड़की के होंठ कांप रहे हैं ऐसे बात करके, इतना नर्वस आ काहे रही हो? अच्छा लड़का हूं मैं, सुंदर सुशील नर्वस, मतलब ऐसे नर्वस होने बोला? अच्छा गजब बेइज्जती है। नहीं हूं मैं। बोला किसी ने? सारे बोलते हैं यार, कहते ठीक है यार, बहुत अच्छा हूं ना। चलो यशिका ने बोला तो मैं मान लेता हूं। समर्थ्य हमारे साथ, समर्थ्य सो क्या सर्विसेज करवाई आज आपने? आज मैंने कोशिश की मैं जितना कुछ करवा सकूं, बिकॉज़ आई लव पैम्परिंग माय सेल्फ, सो आई टुक आई डिड फेशियल, तो उसके बाद मैंने ट्रिमिंग करवाई, हेयर ट्रिमिंग। उसके समझ लीजिए एक बात, आप एक बात बताओ, जैसे कि आपने कहा ना आई लव टू डू, मतलब पैम्पर करना खुद को पसंद है, अगर कोई और पैम्पर करे तो वो भी पसंद है? वो ज्यादा पसंद है इन बोथ द वेज, इन बोथ द वेज। ऐसा जिंदगी में लेकिन मतलब करता है कोई? हां यार आई डिड स्प्लिट्स फिलो, उसके बाद तो आई गॉट दैट रिएक्शन, एंड स्पेशली व्हेन यू आर इन दिस आर्टिस्टिक फील्ड, सो इट हैपेंस इन दैट वे। आपका कोई न्यू रेजोल्यूशन है? यार आई बिलीव इन लाइव रेजोल्यूशन, सो आई हैव ऑलरेडी रिजॉल्वड इन दैट वे, मैंने रेजोल्यूशन उस वे में कर लिया हुआ है, सो आई एम जस्ट फॉलोइंग माय पैशन, सो आई बिलीव इन एवरी मोमेंट इज अ बिगनिंग फॉर अस, सो आई बिलीव इन दैट वे, सो फॉर मी आई डोंट बिलीव इन। मेरे सवाल का कोई जवाब ही नहीं दे रहे, सारे कह रहे हैं हमने रेजोल्यूशन रखा ही नहीं, हम देख लेंगे कर रहे हैं जो करना है। सो ये एक और सवाल पूछना चाहूंगा मैं, कानों में अपने एक साइड बाल लगाई, एक साइड नहीं, क्या मतलब इनबैलेंस नहीं होता है? यार मैं नाइन्थ में करवाई थी तब मन किया था, नाइन्थ से चल रहा है, नाइन्थ से। और इसमें एक फन फैक्ट ये है कि स्कूल में टीचर्स पूछते थे तो मैं बोलता था कि एस्ट्रोलॉजर ने बोला। ये तगड़ा बहाना है यार, ये बहाना था तब ये नहीं पहनता था, तब मैं वो स्टोन पहनता था, वो एक होता था ना चमकने वाला, सो आई यूज्ड टू वेयर दैट। ये मनीष यार कसम से कह रहा हूँ, इसको पसीना क्यों आ रहे, पसीने वहां से आते थे यहाँ तक आ गया यार, मुझे डर लग रहा है। इस लड़की के होंठ कप कपा रहे थे यशिका के, इसको पसीना आ रहा था, मैं नॉर्मल बंदा हूँ, ऐसे डर क्यों रहे हो मेरे साथ? सौरभ नर्वस कर दिया सौरभ ने आज बहुत ज्यादा, क्या हो गया? इतना नर्वस नहीं हुआ मैं आज जितना आज हो गया हूँ। चलो क्या क्या सर्विसेज लिया आपने? आज मैंने हेयर कट लिया और बियर्ड अपनी सेट करवाया बस। ओके सो क्या न्यू ईयर रेजोल्यूशन आपका? न्यू ईयर रेजोल्यूशन मेरा है बट मैं बताने नहीं चाहता, जब वो पूरा हो जाएगा तब आप लोगों को देखना। आप उन वाले बंदों में से, जब तक पूरा नहीं होगा मैं नहीं बताऊंगा, ऐसे पूरा नहीं होता वो वाला। नहीं तो लोग बोलेंगे ना कि बड़ी बड़ी बातें की है, अभी अभी बता दिया, जब छोटी कर ले यार तुम, कोई बात नहीं, छोटी भी कर लेंगे बड़ी भी कर लेंगे बातें। ओके सो बाकी उसे बातचीत करेंगे, भाविका के पास जाएंगे। हाय भाविका। हाय सौरभ। राइट सो क्या क्या सर्विसेज लिया आज? मैंने आज मिनी हेयर स्टाइलिंग करवाई, हेयर कट लिया। क्या क्या? मिनी हेयर स्टाइल, क्योंकि आपने बोला था चींटियों वाली कटिंग कराई क्या मिनी? क्या सिर्फ आगे से हेयर स्टाइलिंग कराई ना, पूरा हेयर कट नहीं कराया। अच्छा ये हेयर कट करवाया है तुमने? हाँ एग्जैक्टली, तभी मैंने बोला मिनी। हेयर कट करवाने के बाद देखो बाल ऐसे है, हम लड़के 150 रुपए देके हेयर कट करवाते हैं, पूरा शिलो इधर आने सामने आना ना 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 आना। चलो तो आपका न्यू रेजोल्यूशन क्या? सेल्फ इम्प्रूवमेंट। कैसे, किस चीज में इम्प्रूव होना है? सुंदर दिखना है आंखों पे, मतलब यार उधर फिजिकल अपीयरेंस नहीं, करियर वाइज। ओके हां, ऐसा क्या करने वाली हैं आप? वो पता चल जाएगा, मनीष ने बोला ना नजर लग जाती है यार, वाइब्स। हां क्या बात है। अच्छा आपने इंटरव्यू शुरू होने से पहले कहा था ना मैं आपसे कुछ पूछूंगी। हां चलो ठीक है, हम ना आज सौरभ के साथ, सौरभ सबको सवाल पूछता है, मैंने सोचा आज इसका रैपिड फायर हो जाए, ठीक है? हां तेज तेज फटाफट फटाफट बोलना है। ये मैं करता हूं, माइक मेरे हाथ में। सॉरी सॉरी, अब आपके कितने सवाल है? तीन चार पूछूंगी दादा। ठीक है ओके, तीन। ओके फटाफट, बहुत ज्यादा। तीन चीजें जो आपको एक लड़की में पसंद आती है? आंखें, चेहरा और बाल। और तीन चीजें जो नहीं पसंद आती? मुझे कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो लड़कियों में पसंद नहीं आती। लड़कियां मतलब भगवान ने बहुत इत्मीनान से आराम से बनाई, ऐसी कोई चीज नहीं जो लड़कियों में थोड़ा सा भी होता है ना नुक्स, वो है ही नहीं। कोई अपीयरेंस नहीं ना, अपीयरेंस नहीं ना, ऐसे नेचर वाइज कुछ तो हर हाँ तो बता दो, हर एक शख्स में नेचर अलग अलग होता है यार, बंदे को मैं कैसे बताऊं? एक सौरभ का ऐसा सीक्रेट जो किसी को नहीं पता, द सौरभ यू सी ऑन कैमरा इज नॉट द सौरभ इन पर्सनल लाइफ। हां जो मतलब जो सबको हंसाता है वो उस पीछे से वो कुछ और होता है। वैसा नहीं है यार, ये मेरा इंटरव्यू है बस। अच्छा अच्छा ये बताओ, वर्स्ट थिंग अबाउट यू? वर्स्ट थिंग अबाउट यू, अबाउट मी, आई गेट इमोशनल टू सून। हां चलो ठीक है, यू वन। मेरा इंटरव्यू हुआ, पहली बार तालियां बजाओ। थैंक यू सो मच। ओके गरीम है हमारे साथ। हाय। मेरे को बताओ तुम, ये सब 16 साल की लगती है लड़की। ओके सो क्या क्या सर्विसेज लिया आपने? हेयर स्पा। That's it. Okay, तो क्या न्यू रेजोल्यूशन है आपका? As such तो अभी कुछ नहीं है। हमारा भी नहीं यार, कोई तो सोचो, मैंने जिम जाना है, मैंने लिखना है, पढ़ना है, कुछ है? वर्क ऑन माई सेल्फ। वर्क ऑन माई सेल्फ, क्या अपने आप के ऊपर क्या करना तुमने?
देखते हैं क्या देखना है। पढ़ाई करनी है उसको, इधर 2 मिनट 16 साल के हेयर मास्टर सैलून में यहाँ पे एज ए फैशन इन्फ्लुएंसर आ गई ना, तरक्की है ना। हाँ तो आ रही है ना, पढ़ाई करेगी। तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो यार। हद, चलो कोई बात नहीं। वैसे ये जो नाक में आपने लगाई बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू। हाय, दैट पिक्सी डस्ट राइट? यस। सो आपने क्या क्या सर्विसेज लिया यहाँ पे? मैंने हेयर स्पा लिया। सबने स्पा लिया, चलो बढ़िया। तो आपका न्यू रेजोल्यूशन क्या? I'll be more consistent in my work. Okay, ये आप सच बताना, जब मैं पूछ रहा था आपने सोच के रखा था ना मैं ये बोलूंगी जब ये आएगा, है ना? हाँ जी। और बोलते हुए ना मैं देख रहा हूँ इस लड़के का एक बार ऐसे मुंह में चला गया। ये लड़कियों को होता है ना, ये बेचारियों को naturally लिप्स में चला जाता है खाते वक्त भी। होता है। कितनी तकलीफ, कितना स्ट्रगल। मैं कह रहा हूँ हम 12 बजे के यहाँ पर आए हैं, 4 बजे तक लड़कियाँ रेडी नहीं है, इनका हेयर स्पा 1.5 घंटे का चल रहा है। इतना स्ट्रगल है ना आप सबकी जिंदगी में। मतलब मैंने और रजत भाई ने पीछे डिसाइड किया था कि हम अपनी वाली बनाएंगे, पहले पूछेंगे ये सब कराती तो नहीं है, अगर कराती है तो फिर हम नहीं करेंगे शादी। इफ्रा जी हमारे साथ एक बार फिर से यार हाथ मिलाओ। मैं कह रहा हूँ ये लगातार पत्नी हफ्ते की चौथी वीडियो जहाँ पे इफ्रा जी हमारे साथ है। अब हमें कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। कौन सा कनेक्शन कौन सा हमारा, मेरे को ये बताओ। वो बताया था ना वाइबिंग गहरा है अपना। मैं कह रहा हूँ पिछले जन्म का है कोई, तेरे संग प्यार में नहीं ढोलना, कुछ ऐसा हमारा। बिल्कुल ट्रू लव। तो क्या आपने सर्विसेज लिया? मैंने आज हेयर कट लिया एंड हेयर स्टाइलिंग। आपका भी ये कट हो चुका है यार? एक तो लड़कियों का हेयर कट समझ ही नहीं आता कैसे, मतलब। चलो तो क्या न्यू रेजोल्यूशन आपका? मेरा ओके, अब आप सबसे पूछ रहे हो तो सोचना पड़ेगा, बट मैंने ये सोचा है कि मैं बहुत ट्रैवल करना चाहती हूँ इस साल, बिकॉज कोविड की वजह से हम बिल्कुल ट्रैवल नहीं कर पाए, तो होप सो कि दिस ईयर आई एम गोना ट्रैवल अलॉट। कहाँ चलना है? चले कहाँ चल चलना है जल्दी बताओ। चलो पहले घर घर जाना। सब यार इतने थक चुके हैं सारे, कह रहे मेरे को घर जाना है, बट कोई नहीं, ट्रैवलिंग का प्लान हम बाद में कर लेंगे, ठीक है? ओके आरुषि, डिसॉल्व हुआ पक्का ना? ओके तो क्या सर्विस ली आज आप? हेयर स्टाइलिंग। ओके, सो आपका न्यू रेजोल्यूशन क्या? बहुत सारे रेजोल्यूशंस हैं। वेकिंग अप अर्ली, कॉपी पेन लाना है, कोई कोने दे। क्या क्या? सुबह जल्दी उठना सबसे पहले तो नॉट पॉसिबल, ठीक है। दूसरा ट्रैवल अलॉट अलॉट, मेक गुड कंटेंट। ओके नहीं, और ट्रैवल किसके साथ करना है? ट्रैवल विद माय गर्लफ्रेंड्स। विद माय गर्लफ्रेंड्स, ओके। नो बॉयज। ओके क्यों, लड़कों से इतनी दुश्मनी? अरे बिकॉज बॉयज आर यूजलेस। समर्थिया, बॉयज आर यूजलेस। बॉयज आर यूजलेस, वो मेरे लिए नहीं था ना वो। नहीं नहीं, मैं ऐसे यार अपने, मैं सोच रहा हूँ मेरे हक में कोई तो है साथ में यार। आई डोंट थिंक यार ये लड़कियों को ही समझ नहीं सकता, इट्स हार्ड टू अंडरस्टैंड। सही बात है, बात तो सही है। जस्ट ट्रैवल विद माय गर्ल्स एंड देन spend more time with my family and eat as much as junk as I can. ये जितना तुम कुछ बता रही हो ना, ये 3-4 जन्मों के काम है, इस जन्म में तो तुम्हारा नहीं होने वाला है। बहुत सारी चीजें करनी है। और आज तो मेरे साथ रील भी बनाई ना, कैसे स्पेशल फील हो रहा है, मैंने रील बनाई तुम्हारे साथ यार, है? अच्छा लग रहा है? अच्छा मैंने बनाई है तुम्हारे साथ। अच्छा ये ना मेरे को पता नहीं कौन सी रील सिखा रही थी, मेरे को समझ नहीं आया वो करके था, क्या कर रही थी? कैसे करेगा हम ये, हमसे ना हो पाएगा। अरे ट्रेंडिंग यार, कोई बात नहीं। आपका न्यू रेजोल्यूशन क्या है? मेरा न्यू रेजोल्यूशन, मैंने सही में सोच के रखा है, एक तो नई वीडियोस बनानी है कॉमेडी वाइंस टाइप, एंड दूसरा रेजोल्यूशन है, हाँ दूसरा रेजोल्यूशन है जिम ज्वाइन करनी है। पिछले 4 महीने से मैं और रजत भाई सोच रहे हैं, हम यही बोल रहे हैं कि कल से पक्का जाएंगे, और इस बार हमने सोच लिया हम पक्का जाएंगे जाएंगे। अच्छा बाय द वे, मैंने ना आप दोनों को देखा था, आपकी एक वो वीडियो थी ना डेट वाली, अच्छा ओके निवास में वाली शूट, तो ये अभी क्या भी रहते, कुछ एक्टिविटी करनी है तो क्या क्या यशिक, मैं दिल पे पत्थर रख के ये चीज कर रहा हूँ, ठीक है? कंटेंट के लिए सिर्फ, ठीक है? करना पड़ रहा है। सो चलो तो थोड़ा सा मतलब कुछ हो जाए, मतलब मैं, चलो एक चीज करते हैं, मैं आप दोनों को एक सिचुएशन देता हूँ, ठीक है? अब दोनों एक्टिव तो हो ही, ठीक हो, अच्छे हो, एक डायलॉग हो जाएगा, ठीक है? कुछ भी, ठीक है? ओके okay, और सिचुएशन आपकी यह है कि समर्थ जो है यशिका से बहुत ज्यादा प्यार करता है, लेकिन यशिका भी करती थी, लेकिन समर्थ से तुम्हारा विश्वास उड़ गया है, और तुम्हारा एक बेस्ट फ्रेंड था जिस पर इसको पहले से शक था, वो मैं, ठीक है? ऑडिशन ले रहे हो? नहीं ऑडिशन नहीं, मैं डायलॉग दे। अब तुम दोनों मिले हो मतलब, तो तुमने डिस्कशन करनी है, आपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में बोलना है, और आपने बोलना है कि मेरा विश्वास उड़ गया, तो कैसे करोगे? एंड ऑन द काउंट ऑफ 3-2-1 क्या बोलेंगे? हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम डांस करेंगे, बिकॉज़ वी आर गुड विद दैट। नहीं कोई डायलॉग नहीं, मैंने हम इशारों में बातें समझ लेते हैं। मैंने 1 मिनट तक मतलब अपना वो सिचुएशन बनाई यहाँ पर है यार, इतना दिमाग लगाया मैंने, मतलब डायरेक्टर वाले काम किए मैंने, तो चलो डांस ही करो, मैं कुछ तो करवाना है। मैं ये करने के लिए रह गया, मैं करो यार डांस करो अपना, क्या चन्ना मेरे आ, मेरे आ, चन्ना मेरे आ, मेरे आ।
रणबीर कपूर को लास्ट में पता नहीं कौन मिलेगी. चलो बढ़िया, थैंक यू सो मच समर्थन याचिका यार, थैंक यू, यू आर सो स्वीट गाइस. थैंक यू सौरभ, थैंक यू. सो ये लड़की जो कि मान लो कि अब चीफ गेस्ट है, सबसे ज्यादा लेट इसने कराया, सबसे ज्यादा ट्रीटमेंट इसका चल रहा है, इतना टाइम काहे? ऐसे ही मैं हमेशा लेट आती हूं. हैं पू हो तुम? हां. तो क्या-क्या सर्विसेज ली आज आपने? हेयर स्पा है. हां और ये कर्ल शल भी तो रखे हैं? हां कर्ल्स भी कर रखे हैं. तो बोलो ना. हां हां उन्होंने करके रखा, तुम बोल नहीं रही यार. हेयर स्टाइलिंग एंड हेयर स्पा. हां बहुत अच्छे. तो आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है इस बार? सुबह जल्दी उठना और हर जगह जल्दी पहुंचना, लेट ना होना. हां ये तो अच्छा है. अच्छा ये सच सच बताना, सुबह जल्दी उठने वाला कितने सालों से सोच रही हो कि मैं करूंगी? तीन साल से सोच रही हो? इस बार उठूंगी, इस बार पक्का. ये सबने सबसे किसी का ऐसे रेजोल्यूशन नहीं है, शादी करनी है, बॉयफ्रेंड बनाना है, किसी का? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं करनी अभी दूर दूर तक कोई. बोल रहा है पीछे से इसकी फ्रेंड, बोल रही है ना? है? नहीं 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 बोल रही है, कुछ नहीं, वो पागल है, वो कुछ भी बोलती है. चलो कोई बात नहीं, पागल पागलपंती में ही कभी कभी सच बोल देता है. सो शिवानी जी आज इवेंट में मजा आया बहुत ज्यादा. सबसे ज्यादा बेस्ट पार्ट आज का क्या लगा? आप मैं हाय यशिका सुन लो. थैंक यू. ओके सो पूछना चाहूंगा मैं, न्यू ईयर आ रहा है, न्यू ईयर स्पेशल द बकलूल टीवी का नाम लेकर अगर कोई यहाँ पर आएगा हेयर मास्टर्स लग्जरी सैलून छन्नी में, क्या ऑफर मिलेगा? 25 क्या 25 रुपए? 25% ऑफ. तो ऐसे बोलो ना, 25% ऑफ. ओके सो 25% ऑफ मिलेगा जो भी बकलोल का नाम लेकर आएगा. जी क्या बात है, बकलोल जनता के लिए हम हमेशा ऑफर्स लेके आते हैं और एक और बार ऑफर लेकर आए कि न्यू ईयर के बाद अब कभी भी हेयर मास्टर्स लग्जरी सैलून जम्मू आइए और उसके बाद बकलोल टीवी का नाम लीजिए, आपको मिलेगा 25% डिस्काउंट, यानी कि मौजा ही मौजा. सो किस बात का इंतजार है, आ जाओ. साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, यू कीप वॉचिंग द बकलोल टीवी एंड हैप्पी न्यू ईयर गाइज, हैप्पी न्यू ईयर.